जब हम रिलायबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। रिलायबिलिटी टेस्टिंग हमेशा कॉस्ट ज़्यादा अकर करवाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर टेस्टिंग फैसिलिटीज़। रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट और प्लानिंग की ज़रूरत है। मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या आते हैं जब हम टेस्ट प्लान कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि टेस्टिंग प्रोसेस हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है और कौन सा टेस्टिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे। सेकंड आता है डाटा, जो उस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड, टेस्ट शेड्यूल, कि हम टेस्ट किस टाइम पर कितने डाटा के ऊपर कंडक्ट करेंगे। लास्ट हमारे पास आता है टेस्ट पॉइंट्स, टेस्ट पॉइंट्स कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है वाइल टेस्टिंग, जब हम रिलायबिलिटी टेस्टिंग कंडक्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टेस्ट प्लानिंग करते हुए। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि मेन एम हम टेस्टिंग क्यों कंडक्ट करवाना चाहते हैं। सेकंड, नोइंग द रिक्वायरमेंट्स, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जिसके लिए हम टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसे देखना, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, और जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास थी उसे अंडरस्टैंड करना। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो नेसेसरी टेस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग अलग अलग कैटेगरीज की अवेलेबल है, हम कौन से टेस्टिंग क्राइटेरियाज को कंडक्ट करवाएंगे, कौन से टेस्टिंग मेथड्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स दिया है कि विद इन 1 डे, 2 डे या 3 डेज या 1 मंथ के विद इन हम लोगों ने काम करना है, तो टाइम कंस्ट्रेंट्स को हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास कितनी मेमोरी है जो डाटा को हम स्टोर करवा सकते हैं, वो मेमोरी को चेक करेंगे, और मैन पावर कितनी है, कितने लोग हैं हमारे पास जो कि हमारे लिए काम कर सकते हैं परफॉर्म। जब ये हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं टेस्ट की, वो नोट डाउन करेंगे। स्पेसिफिकेशंस मींस डिटेल, डिटेलिंग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जितने टेस्टिंग के मेंबर्स हैं हर एक को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रांट करेंगे ताकि वो उस पर काम करना शुरू करें। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों ने एलोकेट कर दी, नेक्स्ट हम डिज़ाइन करेंगे कि रिपोर्ट, जब टेस्ट टीम अपना काम फिनिश कर लेगी तो उन्होंने जो रिपोर्ट करनी है वो किस पैटर्न में या किस तरीके से जनरेट करनी है। लास्ट हम ये भी चेक करेंगे कि हम किस तरह से जो हम लोग टेस्टिंग क्राइटेरिया करवा रहे हैं उसे किस तरह से कंट्रोल करेंगे ताकि हम उसे चेक कर सके, एक ओवरव्यू हर टाइम पर हम देख सकें।